नवम स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश का कल हमने विस्तार से वर्णन किया था कि किस तरह से वंश चलता है, उसमें कई छोटी छोटी कथाएं हैं अनेक भगवत भक्त राजाओं की। भगवान श्री रामचंद्र की कथा हमने कल छोड़ दिया था कि आज कहें वही करते। महाराजा सूर्यवंश में महाराजा खटवांग हुए, जिनकी कथा कल हमने की थी। तो महाराजा खटवांग, किसी को याद है महाराजा खटवांग के बारे में कल बताया था? उनके पुत्र हुए दीर्घ, उनके पुत्र हुए रघु, जिनके नाम से इस वंश को रघुवंश भी कहते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, बचाना चाहिए। तो इन्हीं महाराजा रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराजा दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए भगवान श्री राम। भगवान दशरथ जी भगवान के बड़े भक्त थे और उन्होंने एक, उनको कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ के फलस्वरूप जो है उनको चार पुत्र प्राप्त हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जो कि भगवान के अंश थे, अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न। तो भगवान राम की कथा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराजा परीक्षित, आपने ये कथा कई बार पहले सुनी हुई है, तो इसलिए हम आपको इस कथा को संक्षेप में कहेंगे। तो भगवान छोटे से ही महाराजा दशरथ को बहुत प्रिय थे। चारों पुत्रों में राम महाराजा दशरथ के प्राण समान थे, है ना। तो छोटे में ही विश्वामित्र जी आए और उनको ले गए, वहां पे बड़े राक्षसों का वध किया भगवान ने। तो जब वहां से भगवान श्री राम आ गए वापस विश्वामित्र जी के आश्रम से, तो उसी समय में भगवान का विवाह भी हुआ। तो भगवान श्री राम जिस समय स्वयंवर में गए, एक्चुअली में कुछ भक्त ऐसे बोलते हैं कि रामायण का नाम सिर्फ रामायण है, कथा तो ये माता सीता की है। तो माता सीता जो है छोटे से ही बहुत एक्टिव थी। उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि उनको सफाई कर रही होंगी महल में, तो उनके घर में एक बहुत बड़ा धनुष था, शिव धनुष, भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ। उस धनुष को सफाई कर रही थी, उसके नीचे थोड़ा धूल उल लगा हुआ, उन्होंने ऐसे उठाया, साफ किया, वापस रख दिया। उनके लिए नॉर्मल सी बात थी। जिसने इसको देखा उन सबको चक्कर आ गया, सब बेहोश हो गए। ऐसा क्यों? सबने जाके महाराज जनक को बताया कि आपकी पुत्री तो इतनी बलशाली है, शिव धनुष को एक हाथ से ऐसे उठाया, नीचे साफ किया, वापस रखा। दशरथ जी कहते हो ही नहीं सकता। बोले हो नहीं सकता कैसे, हो गया। तो दशरथ जी ने सोचा कि ऐसे तो मान ही नहीं सकता मैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, एक उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था, लोग झूठे थोड़ी बताएंगे, कलयुग थोड़ी है कुछ भी बोलेंगे। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही अपने बगीचे में होंगे, वहाँ माता सीता और सब उनके सखियाँ सब लोग खेल रहे थे, तो कोई बगीचे में फल लगा था जो पेड़ बहुत ऊंचाई पे था, और वो उन्हें चाहिए था। तो सब लोग अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे थे कि ये फल हमें मिल जाए। माता सीता ने कहा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। वो दौड़ते हुए अंदर गई, शिव धनुष को उठा के लाए, ऐसे बगड़ा गिराया, फल वापस आके रख गया।
ये जनक जी ने देखा, अरे ये क्या है, तब उनको भरोसा हो गया कि ये तो कुछ एक्स्ट्रा पावर है ना। भगवान श्री राम, रामायण एक ऐसी कथा है जिसको कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला है। हरि कथा हरि हरि अनंत हरि कथा अनंत कहीं सुने सुने ही सब विधि सब संता। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, तुलसीदास जी ने उसको हिंदी अवधि भाषा में लिखा है श्री रामचरितमानस के नाम से, जो उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कहीं कहीं देखने में आता है श्री रामचरितमानस में और रामायण में थोड़ा फर्क मिलता है डिटेल्स में। तो जैसे रामचरितमानस में कहते हैं कि सीता माता वहाँ गई अयोध्या और वहाँ पे धरती फटी, ऐसे है ना। वाल्मीकि जी कहते हैं नहीं, उनके आश्रम में ही धरती फटके हो, थोड़ा बहुत कहीं कहीं फर्क है। दक्षिण में कम्ब रामायण भी चलता है, कम्ब एक ऋषि भी उन्होंने लिखा है, तो उधर वो चलता है। तो ऐसे राम कथा को बहुत सारे भक्तों ने अपने अपने भाव में लिखा है। तो माता सीता के इस तरह से देखा तो जनक जी ने जो है ये घोषणा करी कि भाई अब ये मेरी बेटी इतनी शक्तिशाली है, तो इसका जो पति हो वो कम से कम ज्यादा नहीं तो बराबर तो हो, नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं तो पता चला शादी के बाद मजाक में ही ऐसे कर दिया तो पता चला वो किसी दूसरे ग्रह में गिरे बेचारा, है कि नहीं। तो जनक महाराज ने सोचा पर इतना शक्तिशाली पर फिर भी, तो धनुष यज्ञ हुआ और उस धनुष यज्ञ में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी आए। तो वहां पे जो है सब बड़े बड़े राजा उस धनुष को हिला भी नहीं पाए, मतलब तोड़ना उस पे बात थी कि उस पे डोरी बांधनी है, कहते प्रत्यंचा चढ़ाना, तो उसको झुकाना होता है थोड़ा फिर बांधना होता है। तो ये इतना करना तो अलग बात, लोग उसको हिला भी नहीं पा रहे धनुष को, कुछ हिला भी दे। बड़े बड़े लोग आए थे कोई नहीं हिला पाया, महाराज जनक को बड़ा शोक हुआ, है ना। तो उनको लगा कि वो बोले कि क्या यह धरती वीरों से विहीन हो गई है, कोई वीर नहीं बचा इस धरती में, क्या मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी या फिर मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, क्या इस धरती पे ऐसा कोई वीर नहीं है। तो इतना बड़ा चढ़ा के उन्होंने थोड़ा बोला, किसको बुरा लगा, लक्ष्मण, ऐसे कैसे बोल रहे, जब इस सभा में मेरे भैया भगवान श्री रामचंद्र बैठे थे ऐसे कैसे बोल रहे भगवान राम, तो विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, भगवान राम गए, ये उठाया उसको, तोड़ उसको झुकाने के लिए बाद टूट गया शिव धनुष, टूट गया। तो जनक को अच्छा लगा, माता सीता को अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा सिवाय परशुराम जी के। परशुराम जी की कथा नवमी स्कंद में ही आती है, बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, भगवान के अंश हैं, है ना। और धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया परशुराम जी ने, है ना। इनके पिता जमदग्नि उनके पास कामधेनु गए थी, एक बार एक राजा थे कार्तवीर अर्जुन, शस्त्र बाहु अर्जुन भी बोलते उनको, उनके 1000 भुजाएं इतना पावरफुल, वो आए जंगल में ऋषि के पास। उस समय लोग राजा लोग जंगलों में जाया करते थे घूमने, है ना, पिकनिक मनाने, तो जंगलों में उन्हें कभी कभार शिकार खेलने या पिकनिक ले जाए तो उन्हें कई बार इस तरह से भूख लगी प्यास लगी, तो ऐसे कई प्रसंग आते हैं, है ना, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, है ना। तो वो भी गए जमदग्नि जी के आश्रम में, तो फटाफट उन्होंने सबके लिए बढ़िया खाना पीना हर चीज की व्यवस्था, बोले यार ये कैसा ऋषि है इतने जल्दी इतनी व्यवस्था, क्या कारण है, बोले कारण ये कि कामधेनु को दूध नहीं जो मांगो वो देती है, बोले तुम साधु हो इस कामधेनु का तुम क्या करोगे हमें दे दो, ऐसे दे दो।
तो जबरदस्ती ले गए, जबरदस्ती ले गए तो जमदग्नि ने अपने बेटे को आदि को जबरदस्ती ले गए। ऐसे करके परशुराम जी बहुत झगड़ा हुआ, तमाम लंबी कथा है, उसमें उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मारा, उनसे सब डरते थे। तो वो आ गए, वहाँ पे बहुत बहस हुई लक्ष्मण जी की, परशुराम जी की, पर अंत में भगवान राम का कहते हैं क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों? क्योंकि भगवान राम अपनी लीला में वही काम करते हैं जो प्रॉपर है, प्रॉपर एटिकेट जो है वही करेंगे, मर्यादा में जो है वही ही काम करेंगे, इसलिए उनके तो मर्यादा पुरुषोत्तम। मेरा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी पति जो भी है सही क्या है वही करेंगे, उनको कहते हैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। समझे? कृष्ण को क्या कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। क्यों? अच्छा लगे बुरा लगे, हमने तो लीला करने से मतलब, हम कपड़े चुराए मक्खन चुराए हमसे मतलब नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, हमें किससे मतलब है? लीला। वो अपना लीला करते हैं, लीला करके भक्तों को आनंद देते हैं, भगवान श्री राम मर्यादा सिखा के भक्तों को राइट ट्रैक पिलाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण लीला अपनी लीला आनंद से भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम पुरुषोत्तम, वो अवतार ही इसीलिए हुए हैं, आए ही इसीलिए कि भक्तों को क्या दें, प्रेम, कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। तो भगवान राम की कथा में जहां भी देखेंगे भगवान राम दिखाते हैं इस समय राइट क्या है वही करते हैं। तो भगवान राम उस समय लक्ष्मण को भी शांत किया, परशुराम जी को शांत किया अपने व्यवहार से, उनका विवाह हुआ, और विवाह के बाद माता सीता को लेके आए, और वहां पे कौशल्या सुमित्रा कैकेयी सभी लोग जो है स्वागत में थे कि बारात वापस आएगी। और माता सीता के बारे में इतना सुना था, तो माता सीता को तो कहते हैं कि भगवान श्री राम जब निकलते थे बाहर तो लोग उनकी सुंदरता को देखते थे। आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, छोड़ दो उसको, आने जाने में सब बीत जाएगा। अभी चल रहा है, सुनो कथा सुनो। भगवान श्री राम जब बाहर निकलते थे तो सब लोग उनको देखते थे, और ऐसा वर्णन आता है कि जिस जैसे भगवान राम आए, देखिए आपका नाम लिख दिया, प्रसाद ले आ गया। तो भगवान श्री राम जैसे ही आए सबके सामने, मान लो तो जिसने, ये वर्णन है कि जिसने जिस अंग को पहले देखा वो उसी अंग को देखता था और दूसरे अंग को नहीं देखता था। क्यों? क्योंकि वो जैसे भगवान आए और किसी ने भगवान के नख को देखा तो वो नख इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि वो उसको देख के नहीं छक नहीं रहा है, उसको देख, उसको संतृप्ति नहीं हो रही, वो देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, इतना सुंदर है। इतने दिन भगवान चले जाते थे तो वो बेचारा वो नख ही देख पाता था। किसी ने मान लो भगवान का भुजा देखा तो उसी को देखता रहता था, इतने सुंदर, जो जिस भाग को देखता था वो उसी अंग को देखता रहता, तो देखता रहता, तो देखता, तो इतने भगवान सुंदर थे। भगवान श्री राम ऐसा विधान हुआ, ऐसी इच्छा थी, ऐसी लीला थी कि उनका राज
राजा बनाने की बात हुई, सब पूरी प्रजा प्रसन्न थी, सभी लोग प्रसन्न थे, कोई भी दुखी नहीं था सिवाय एक को छोड़ के। कौन? कैकेयी माता भी प्रसन्न थी। मंत्रा मंत्रा को इतनी खुशी नहीं थी, दुख था। तो मंथरा ने, अच्छा यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि ये जो गलत संग है ये घर की बर्बादी कराता है। वो मंथरा ने केकई को ऐसा प्रीचिंग किया कि केकई तो घूम गई उनका बुद्धि, भाई भरत को बनना चाहिए, ये राम बन जाएगा राजा तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये वो पता नहीं क्या क्या। केकई ने बहुत देर में समझा, पर कंटिन्यूअसली एक ही बात बताते रहने से आदमी उसको विश्वास कर लेता है। ऐसा होता है कई बार, बार 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 वही चीज आएगी तो उन्हें विश्वास। कैकेयी माता को विश्वास हो गया, उन्होंने दो वरदान पहले के पेंडिंग थे इसलिए पेंडिंग ही रखने का कुछ अकाउंट ऑन स्पॉट क्लियर करने का, तो उन्होंने वो वरदान मांग लिए। तो जैसा आपने वर्णन सुना कश्यप और दिति का, वैसे ही सिमिलर वर्णन है यहाँ पर कैकेयी का और महाराज दशरथ का। एक महाराज जी हमारे बोलते हैं कि बताइए भगवान के पिता की ये स्थिति है, कश्यप भगवान के पिता ब्राह्मण देव के, दशरथ भगवान के पिता भगवान राम के, उनकी ये स्थिति है कि वो स्त्री के उसको नहीं समझ सके। दशरथ जी जब आए उसको भवन में तो उनको पूछते कि क्यों आप दुखी हैं, तो कहके ही बोलती मैं बस ऐसे ही दुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना अच्छा हरी कल से ना चेकिंग करवाओ एयरपोर्ट पे। तो भगवान जब महाराज दशरथ आए तो कैकेयी ने उनको कही कहा, तो दशरथ जी बोलते नहीं आप बताओ हम आपके दुख का कारण जानना चाहते हैं, उसका निवारण करेंगे। तो कैकेयी कहते हैं नहीं आप तो बहुत बिजी रहते हैं, आप क्यों मेरी चिंता करेंगे, वही घुमा फिरा के खींचते रहे खींचते रहे। उसको पूरा फंसा लिया दशरथ को कि ये जब मैं वरदान मांगूंगी तो ये बिल्कुल भी ना कह पाए बिल्कुल पूरी तरीके से। और बाद में दशरथ ने कहा नहीं तुम बताओ अपने दुख का कारण, मैं बिल्कुल मैं राजा हूं तुम्हें पता नहीं। दशरथ जिसको देवता भी बुलाते हैं अपनी मदद के लिए, वो दशरथ शब्द वेदी बाण जो चलाते हैं वो दशरथ, क्योंकि कहती ये सब रहने दो मैं पता है कि तुम नहीं कर पाओ, ऐसा कैसे, मैं तो तुम्हें वचन देता हूं। क्योंकि जानते हैं कि रघुकुल है, तो ये कहती अगर आप ऐसा ही है तो आप वचन दो। तो उन्होंने कहा वचन दिया कि जो तुम मांगोगे हम देंगे, और कहते हैं कि कोई बात प्रभु को दे रही थी सदा चली आई मान जाए वचन देता है, मैं तुम्हारे वचन को पूरा करूंगा। और बस उन्होंने कहा मुझे दो चीज चाहिए, दो वरदान मेरे पेंडिंग थे उन्हें क्लियर करो, पहला भरत को राजगद्दी। इसको सुन के उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि राम को वनवास 14 वर्ष का वनवास, तो दशरथ को बहुत कष्ट। दशरथ कहते भरत को राजगद्दी चलो मान भी लें दे भी दें, लेकिन राम को वनवास क्यों? इस तरीके से दशरथ जी बड़े दुखी हुए। भगवान राम को जब पता चला कि उनके पिता का ऐसी स्थिति है तो पिता की आज्ञा को मानते हुए वनवास हो गया, जबकि कोई नहीं चाह रहा था, पूरे प्रजा में कोई नहीं चाहता। माता सीता भी गईं, लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए, और फिर वहां जाके सीता माता का अपहरण हुआ। तो भगवान श्री राम ने सीता माता को लेके तो जाना चाहते थे,
भगवान श्री राम चाहते थे कि माता सीता आए मेरे साथ, है ना, लेकिन उनको फिर भी कहा कि आप सुकुमारी हैं, राजकुमारी हैं, आप मत जाइए। लेकिन माता सीता ने जो है बिल्कुल जो पत्नी का धर्म होता है वो निभाया। जो वस्त्र भगवान राम ने पहने वनवासी के, भगवान राम कहते हैं वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। लेकिन माता सीता कहते हैं कि पति जो करेगा उसकी सेवा करना मेरा धर्म है। रामायण एक एक स्टेप पे हमें यही सिखाती है कि जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से माता सीता भी कहीं, लक्ष्मण जी ने कितना त्याग किया, पूरी समय वो यही रक्षा करते रहते थे कि भगवान राम को कुछ ना हो जाए। जब भगवान राम के ऐसे भक्त कुछ भी करने को तैयार भगवान राम के लिए, वहां पे नदी किनारे रुके थे तो जब भरत आए ना अपना माफी मांगने और वापस ले जाने, तो उस समय भगवान राम और वो कुटिया जहां पे रह रहे थे तो लक्ष्मण जी रात भर चक्कर काटते थे धनुष लेके। तो उनको लगा कि कोई भगवान राम को कुछ ना हो जाए इसलिए मैं रक्षा करूंगा, तो पूरा टाइम वो तैयार रहते थे। और जो केवट था, केवट मालूम ना, केवट था, उसको लगा ये लक्ष्मण क्या कर रहा है, क्या ये राम कुछ गड़बड़ चल रही है क्या। तो वो पहले सर्कल में लक्ष्मण सेवा रक्षा करने के लिए घूमते थे, दूसरे सर्कल में केवट ने अपनी सेना लगाई थी, कुछ होना नहीं चाहिए भगवान राम। तो जब भरत आए तो उनको लगा कि कहीं ये मारने आते क्या, तो लक्ष्मण जी एकदम से अभी खत्म करता हूँ, नहीं आ रहे हैं, देखो पहले क्यों आ रहे हैं। तो भगवान भरत जी ने भी बहुत समझाया, वहां पे जनक महाराज भी आए, काफी बातचीत हुई, लेकिन भगवान राम ने कहा ठीक है, हम भरत का हृदय रखने के लिए भगवान राम ने कहा ठीक है मैं राजा हूं और मेरी आज्ञा पे तुम मेरे पादुका ले जाओ और इनसे ही राज। भरत ने उतने समय तक, जितने समय भगवान वनवास में थे उतने समय वो भी वनवासी जैसा ही जीवन, भी वो गाय के वो गव्यामृत से बना ही खाते थे, वो उतने से रहते थे ना। भरत महाराज की ये तपस्या, लक्ष्मण की अलग तपस्या, राम तो सीता माता जो केवट ने नदी पार कराई, केवट कहता मैं तो कराऊंगा नहीं नदी पार, क्यों बोले, केवट ने को चाहिए था भगवान का चरणामृत, अभी मौका मिला है और कब मिलेगा। तो केवट कहता है नहीं, पहले हमने कथा सुन रखी है कि तुमने पता नहीं एक पत्थर पे पैर रख दिया था, वो स्त्री बन गया, है कि नहीं, कहीं मेरी नाव स्त्री बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी, इसलिए पहले पांव धुलवाओ भाई। भगवान राम ने पैर धुलवाए और केवट ने चरणामृत धारण किया। इस तरीके से बड़ी मार्मिक कथा है एक एक भक्त की भगवान राम के जीवन में। भगवान राम जब वहां पे जंगल में गए तो वहां अम्बा नदी के किनारे पहाड़ पर शबरी माता रहती थी, उनके उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि एक दिन भगवान राम आएंगे, जरूर आएंगे। तो वो यही उनको गुरु के वाक्य में विश्वास था कि वो आएंगे, बस आएंगे। वो रोज माता सबरी रोज उनको लगता था कि आ जाएंगे, क्योंकि डेट नहीं बताई थी, बता था आएंगे तो उनको लगता कभी भी आ गए तब। तो रोज ये समझने वाली बात है कि किसी को अपने गुरु के वाक्य में इतना विश्वास हो सकता है, उस विश्वास की वजह से उन्हें भगवान राम मिले। रोज माता सबरी प्रॉपर तरीके से रास्ते को फूलों से सजाती थी, उनके लिए बेर रखती थी, रोज का नियम था, क्योंकि उन्हें तो कभी भी आ गए तो रोज, ऐसा नहीं कितने सालों किया उन्होंने, सालों सालों, ऐसा नहीं कि अब इतने दिन हो गए अब
तो मुझे लग रहा है आएंगे ही नहीं, इतने आने होते तो अब तक आ जाते। वो यंग एज से बूढ़ी हो गई, 60-70 साल रोज किया। गुरु के शब्द में इतनी निष्ठा भी दिखानी पड़ती है, ऐसे नहीं कि अरे उन्होंने बोला है, प्रभुपाद जी ने कहा है इतना इतना फॉलो करो, आई विल टेक केयर, है ना, मैं भगवत नाम लेके जाऊंगा, तुम्हें विश्वास होना चाहिए। माता सबरी ने रोज वही किया, प्रभुपाद जी ने भी कहा है रोज मेरी पुस्तक पढ़ो, रोज माला करो, चार नियम का पालन करो, पर हम नहीं कर पाते, है ना। तो इस तरीके से जब हम अगर नहीं गुरु की आज्ञा पालन कर पाएंगे तो राम कैसे मिलेंगे। भगवान राम, भगवान राम बड़े दयालु है। भगवान राम कहते हैं अगर किसी ने एक बार भी मेरे सामने ये कह दिया हे राम मैं तुम्हारा हूं बस, फिर भगवान राम उसका पूरा जिम्मेदारी ले लेते हैं, अच्छे बुरे का सबका। तो उस दिन भी मैंने बताया था कि विभीषण को भगवान राम ने क्या बोला जब वो शरण में आया, लंकेश उठो। तो वो कहते अरे इसको लंकेश बोल दिया तो मान लो रावण भी सुन ले ये बात तो वो भी आ जाएगा, फिर उसको क्या दोगे, इसको तो आपने लंकेश बोल दिया। वो कहते मैं अभी युद्ध होगा, लड़ाई होगी, लंका का राजा विभीषण को बना देंगे। बोले अगर लड़ाई ना हुई, मान लो रावण ने भी सुन ली ये बात, वो आ गया उसने भी सुन ली, उसको क्या दोगे। बोले कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन बाद अयोध्या का राज मिलने वाला ना, रावण को दे देंगे, टेंशन क्या है, नहीं। तो भगवान राम इस तरीके से जो है अपने भक्तों को कृपा रखने वाले हैं। भगवान राम जब सीता माता का हरण हो गया तो वहां पर भगवान राम ने एक अद्भुत लीला प्रदर्शित करी। भगवान राम वन वन में भटकते थे, वन वन जाते थे, ढूंढते थे माता सीता को, रोते थे। हमारे स्कूल में एक वादा था, हे खग मृग मद कर सैनी तुम देखी सीता मृग में। भगवान राम कह रहे हैं खग मृग, खग माने पक्षी, मृग माने हिरण, मधुकर, सबसे झाड़ियों से, पत्तों से, लताओं से, चिड़ियों से, सबसे हिरण से पूछते थे सीता मृग नहीं, मृग के जैसे आंख वाली सीता को देखा है क्या, सबको पूछते थे। तो कोई प्रश्न कर सकता भगवान राम ऐसा कैसे, इतना कैसे आसक्त है। भगवान राम भगवान है, आत्मा राम है। आचार्य गण बताते हैं कि भगवान राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम साधारण व्यक्ति साधारण जीव को सिखा रहे हैं कि अगर भगवान होके भी उन्हें इतना कष्ट मिला स्त्री के प्रति आसक्त होने से, दिखा रहे हैं उनको भी रोना पड़ा, घूमना पड़ा। तो भगवान राम ढूंढते हुए आगे फिर सुग्रीव हनुमान जी सबको मिले, चार दिशा में सेनाएं भेजी गई, वाली का वध हुआ, सेना सब जगह गई। तो जो दक्षिण में जो सेना गई थी वो चलते चलते एंड में पहुंच गए, समुद्र आ गया। वहां समुद्र आने के बाद संपाती के द्वारा उन्हें पता चला कि एक्चुअली में किसको, सीता माता को कौन ले गया है, जटायु को भी रावण ने मारा। जटायु ने खूब, जटायु को पता था कि मैं रावण से नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन वो अच्छा ये देखिए आप जटायु का भाग्य कि जटायु बेचारा लड़ते लड़ते गिर गया, उसका पंख काट दिया रावण ने, और लेकिन वो हार गया रावण से, है ना। जटायु क्या हुआ, रावण से हार गया, लेकिन ऐसी हार तो अच्छी है ना कि उस हार की वजह से उसने प्राण भगवान राम के हाथों में दिया। भगवान राम माने अगर वो ये सोच लेता कि ये मैं तो लड़ ही नहीं सकता रावण से, मर जाऊंगा, ऐसा करता हूं कि नहीं लड़ता हूं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, है कि नहीं,
तो उसने नहीं सोचा, उसने बिल्कुल लड़ गया, लेकिन उसका फायदा क्या मिला, उसका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान राम ने किया, तो उसकी गति की क्या कह सकते हैं। तो हमें कई बार लगे कि हम नहीं कर सकते सेवा, और अगर सेवा का मौका मिले तो लग जाना चाहिए, कुछ हद तक तो कर पाएंगे। और चूंकि भगवान स्वयं जानते हैं कि हमारी क्षमता क्या है, किस क्षमता तक हम कौन सी सेवा कर सकते हैं, भगवान से तो छिपाए हैं, तो भगवान तो इस बात को जानते हैं। तो भगवान हमारे भाव को समझेंगे कि ये व्यक्ति सेवा में लगा, अपनी क्षमता से पूरी सेवा किया, पर विचारा नहीं कर पाया, उतनी उसकी क्षमता नहीं। तो उसको देख के जैसे भगवान ने जटायु से नहीं कहा, अरे कैसे नहीं रोक पाया तुमने, चलो अड़ो, नहीं, भगवान ने जटायु का स्वयं अंतिम संस्कार किया। तो भगवान राम ये नहीं देखते, सक्सेस फेलियर नहीं देखते, भाव क्या है, सफलता तो मिली नहीं सेवा में, मिली क्या, नहीं। वैसे ही गिलहरी का हुआ है ना, हनुमान जी का, तो ये भगवान राम ये नहीं देख रहे कि कौन कितना बड़ा पत्थर डाल रहा है, भाव क्या है। भगवान राम कहते जो तुम्हारा इतना बड़े बड़े पहाड़ डालने में जो भाव है, वही भाव तो गिलहरी का है, वो अपनी क्षमता से सेवा कर रही है और आप अपनी क्षमता से सेवा कर रहे हैं। तो जो एक रुपया भगवान को दे रहा है वो भी अपनी क्षमता से दे रहा है, जो 10 लाख दे रहा है वो भी अपनी क्षमता से दे रहा है, जो बेचारा बड़ा बड़ा प्रचार नहीं कर सकता लेकिन भक्तों को प्रसाद बांट रहा है, भाव दोनों का समान है कि नहीं। हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये तो बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, बड़ा बड़ा श्लोक बोलते हैं, बड़ी बड़ी कथा करते हैं, तो ये बड़े भक्त हैं, और जो मंदिर में झाड़ू लगाता है वो छोटा भक्त है। कैसे पता है कौन सी सेवा छोटी है कौन सी सेवा बड़ी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। भगवान राम ने तो ये नहीं देखा, भगवान राम तो देख रहे हैं भाव किसका कैसा है। तो एक और जब भगवान जब ये दक्षिण वाली जो टीम थी जो सीता माता की खोज में गई थी, तो इनको पता चल गया है ना, इनको पता चल गया कि सीता माता समुद्र के उस पार रावण लेके गया है, अब उस तरफ जाए कौन, सीता का कौन पता लगाएगा। तो ये सब लोग कहे कि हम इतना कूद सकते हैं। जामवंत जी बोले कि हम एक साइड का कूद सकते हैं, तो लोग बोले वापस भी आना है, तो बोले वो तो नहीं हो सकता, मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो एक व्यक्ति हनुमान जी आराम से बैठे कुछ बोल ही नहीं रहे, तो जामवंत जी जो थे वो सबसे सीनियर थे उस टीम में, क्या थे, सीनियर। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ये बात का पता था, किस बात का, हनुमान जी उड़ सकते हैं पर इस बात का हनुमान जी को स्वयं पता नहीं था, है कि नहीं। तो हनुमान जी को उन्होंने जाके याद दिलाया, कथा थी उनको शाप मिल गया, तो हनुमान जी को याद दिलाया कि आप पूछ सकते हो, आप तो ये हो वो हो। हनुमान जी को याद आया जरा साफ था, उस साफ से काम हुआ, हनुमान जी गए और सीता का पता लगा के आए। इस बात के आगे रामायण में पूरी बस हनुमान जी दिखते हैं, है कि नहीं। रामायण का दूसरा हीरो कौन, पहला सीता। तो आप समझने वाली बात है कि इसके बाद हनुमान जी दिख रहे हैं, जामवंत को कोई नहीं पूछता, और हनुमान जी को ब्रेक किसने दिया, जामवंत। तो जब हम इस तरीके से कोई सेवा करते हैं
कई भक्त मिलके जब कोई सेवा करते हैं तो हमारा ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा। हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमारे ग्रुप में ये सेवा अच्छे से कौन कर सकता है, भले उसको ना पता हो। कई बार हमें पता होता है, कई बार हमारे नेता को पता होता है, हेड को पता होता है कि ये व्यक्ति ये सेवा अच्छे से कर सकता है। जैसे जन्माष्टमी मनाना है, राधाष्टमी त्योहार मनाना है ना, तो अब कई बार हमें लगता नहीं मैं ही करके दिखाऊंगा सब, चाहे वो गड़बड़ हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए जामबन को, हनुमान जी को तो नहीं पता, जामबन को पता था। यहाँ पे बात ये नहीं आ रही है कि कौन ऊपर उठना है, कौन नीचे, किसका नाम आना चाहिए। बात आ रही है कि भगवान राम की सेवा अच्छे से होनी चाहिए, तो हनुमान जी कर सकते हैं, इसलिए जामबन ने उनको आगे निकाला। कई बार हम देखते हैं कि हमें पता है कि ये व्यक्ति कर सकते हैं, पर ये फैमिली में भी होता है, सब जगह होता है कि हाँ पता है ये कर पाएगा, लेकिन सोचते अगर ये कर दिया तो इसी का नाम हो जाएगा, इसी के बारे में अनाउंसमेंट होगा, मेरे तो होगा नहीं, जैसे हम ही लगे रहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं, इस तरीके से युद्ध हुआ और भगवान जो है सीता माता को, रावण को मार दिया, सीता माता वापस आई। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी, हनुमान जी सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। बंदरों ने तो बहुत सारों ने देखा ही नहीं था सीता माता हैं कैसी, हनुमान जी ने खाली देखा तो वही गए थे लंका में। तो जब सीता माता को देखा तो बड़े सब प्रसन्न हुए, नाच रहे थे, गा रहे थे। भगवान ने लक्ष्मण को गा थी भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि सीता माता को बोलो इंद्रपुरी सोनी सोनी लगती है, उर्वशी कहाँ है, इतने दिन से दिखी नहीं। तो लोगों ने बताया कि भाई वो तो ऐसा ऐसा हो गया। तो इंद्र कहते हैं ये क्या बात हुई, देव अप्सरा है, स्वर्ग की अप्सरा है, तो मनुष्य के पास कैसे, उसको तो स्वर्ग में होना चाहिए, जाओ वापस लेके आओ। तो उसने ना गंधर्वों को भेजा। तो गंधर्व आए रात्रि के समय, हरकत थोड़ी ना तुम्हें पता होगी। तो गंधर्व आए रात्रि के समय में और उन्होंने क्या किया, वो दो भेड़ के बच्चों को चुरा के चले गए। तो भेड़ के बच्चे जब मैं करके मिमियाने लगे, तो उसी समय महाराजा पुरुरवा और उर्वशी रात्रि के समय में संग कर रहे थे। तो उसी समय जब उसने ये आवाज सुनी, किसने, उर्वशी ने, कि भेड़ के बच्चों को लेकर चला गया और वो चिल्ला रहे हैं, तो कहती अरे धिक्कार है मेरे ऊपर, मैं इस व्यक्ति को समझी नहीं कि महाकाय है, ये सिर्फ स्त्री लंपट है, स्त्री के साथ इसको रहना आता और कुछ नहीं आता, बिल्कुल मैं गलत समझी थी कि ये पराक्रमी है, ये कुछ नहीं जानता, बिल्कुल भी इसमें साहस वीर पराक्रम कुछ भी नहीं है, बताइए और की रक्षा क्या करेगा। तो भेड़ के बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया, इतना खतरनाक बोले तो महाराजा जो पुरुरवा थे उनको बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो उसी समय अपनी तलवार लिए और गंधर्वों को मारने के लिए दौड़ पड़े। तो जब वो गंधर्वों को मारने के लिए दौड़े तो गंधर्वों ने ना अपने कुछ प्रकाश फैला दिया और उर्वशी ने उनको उस अवस्था में देख लिया, बस सब कंडीशन खत्म। उसी क्षण उर्वशी महाराजा पुरुरवा को छोड़ के चली गई और उसके बाद
पुरुरवा महाराज इतना रोए, गिड़गिड़ाए कि अरे गलती हो गया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन उसने तो कहा तो सत्य टूट गई और वो चली गई। अब वो जब चली गई तो ये बड़ा उदास रहते थे, पूरा टाइम उसको ढूंढते रहते थे, यहाँ वहाँ घूमते 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 ढूंढते ढूंढते, किसको? उर्वशी को। कौन? तो घूमते घूमते कहाँ आए? आपके पास में, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में इन्होंने जो है नदी किनारे, अब इसमें तो लिखा सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे महाराजा पुरुरवा ने एक दिन देखा कि उर्वशी आई हुई है अपनी 6 सहेलियों के साथ, वहां पे बगीचे में घूम रही है, खेल रही है। तो बस इनको उर्वशी दिख गई और ये कहते हैं अरे तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, तुम ऐसा ये हो वो हो, ये अपना सबने ने अपना समस्या बताया। तो उर्वशी कहती है कि चलो 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 आप चलो हमारे साथ। उर्वशी कहती है महाराज आप महाराज हैं, धीर बने, और कहती है कि हम स्त्रियों का तो प्रकृति ही ऐसा है कि हम, उर्वशी कहती है कि हम स्त्रियों का, अब उर्वशी स्वयं स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बताती है, ये जो वो उन स्त्रियों के बारे में बता रही है जो शास्त्रों ने पुंसचली स्त्री कहा गया है, जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, किसी वैष्णव के बारे में नहीं बता रही है। कहती है कि उनका स्वभाव तो लोमड़ी के जैसा होता है ना, तो बहुत क्रूर चालाक, किसी को अपना नहीं मानती। तो हे महाराजा आप इतने बड़े राजा हैं, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप धीर बने, आप ये क्या एक स्त्रैण व्यक्ति के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि कुछ समय में कुछ बातें समझ में नहीं आती और कुछ बातें समय बीत जाने के बाद समझ में आती हैं। नवम स्कंद की बात तो 12वें स्कंद में समझ में आई, तो एल गीत 12वें में आया होगा। तो महाराजा पुरुरवा को नहीं समझ में आया, उन्होंने बड़ी उर्वशी से विनती करी, प्रार्थना करी। तो उर्वशी कहती है ठीक है, वर्ष में एक दिन जो है मैं आपके पास आ जाऊंगी, एक साल में एक बार। तो उर्वशी जानती थी कि महाराजा पुरुरवा हैं, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, वो उसने अपने उन्हें समझाने के प्रयास किया कि समझ जाए, गलती ना करे, है ना, लेकिन वो नहीं समझे। और इस तरीके से फिर महाराजा पुरुरवा जो है, उर्वशी ने कहा कि अगर आप हमेशा के लिए चाहते हो तो आप गंधर्वों से प्रार्थना करो, अगर गंधर्व मान जाएंगे तो मुझे आपको हमेशा के लिए दे देंगे। तो इन्होंने, किसने? पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति करी, गंधर्व आए, उन्होंने उर्वशी को मांगा तो वो क्या दिए, तो उन्होंने उर्वशी उनको देखे गए। अब वो क्या किए थे कि वो कुछ एक आग की उर्वशी बना दी उन्होंने, जो कि ओरिजिनल उर्वशी नहीं थी, देखने में कैसी लगती थी वो उर्वशी। तब महाराजा पुरुरवा के साथ तो उर्वशी रही थी उनकी पत्नी के रूप में, तो जब उसके साथ ये गए तो इन्हें पता चल गया कि तो ओरिजिनल नहीं है, तो ये और दुखी हो गए, ठीक है नहीं। तो जब और दुखी हो गए तो फिर उन्होंने कहा कि हम यज्ञ करेंगे। तो जिस समय ये दुखी थे, किसके शोक में, वियोग में, उर्वशी के, तो उस समय भगवान की कृपा से उस समय क्या हुआ कि त्रेता युग चालू हो गया। उसी समय वो क्षण था जब त्रेता युग शुरू हुआ, तो त्रेता युग में यज्ञ को महत्व दिया गया, हवन वाले यज्ञ को। सतयुग में तपस्या और त्रेता युग में यज्ञ को महत्व दिया गया। तो वो भगवान की इच्छा से महाराजा पुरुरवा के अंदर ये इच्छा पैदा की गई कि मुझे यज्ञ करना चाहिए।
तो महाराजा प्रुरवा ने सोचा कि अब मैं यज्ञ करूंगा, तो उन्होंने यज्ञ की व्यवस्था करी और उस यज्ञ से जो है उन्होंने लकड़ियां जलाई और वैसे करके उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके से महाराजा पुरुरवा जो है वो उर्वशी के द्वारा इस तरीके से उनका मोह का वर्णन आता है कि इस तरीके से मोहित रहे। और इन्हीं महाराजा पुरुरवा के वंश में फिर आगे एक महाराज इनके पुत्र हुए आयु शतायु और फिर हुए नहुष, महाराजा नहुष। महाराजा नहुष इतने पराक्रमी थे कि इनको एक बार इंद्र बनाया गया। इंद्र बनने के बाद कुछ समय के लिए इंद्र बने तो उन्होंने इंद्र की पत्नी की कामना करी, उसके बदले से इन्हें श्राप मिला और ये वापस आके इनका पतन हुआ। तो उन्हीं के वंश में हुए महाराजा ययाति, ठीक है। तो ययाति के जो पुत्र थे उनमें एक थे यदु और एक पुरुजुमेन है। तो पुरु से चला पुरुवंश कल बताया, तो यदु से चला यदुवंश, यदुवंश में कृष्ण आए। तो ये महाराजा ययाति जो इन्होंने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से विवाह किया, ठीक है। तो क्यों विवाह किया, ये एक बार क्या हुआ कि देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है और उसकी सहेली है समृष्ठा, क्या नाम है, समृष्ठा। समृष्ठा राजा भ्रष्ट प्रभा की पुत्री है, वो राजा की पुत्री है, क्षत्रिय की बेटी है और ये ब्राह्मण की बेटी। ये दोनों सहेलियां थी, ये सब कई सहेलियां वन में गई हुई थी, घूम रही थी, वहाँ एक अच्छा सुंदर सा तालाब सरोवर झील देखा तो इन्होंने सोचा कि स्नान कर लें, है ना। सब वहाँ स्नान करने लगी, अब कोई प्लान करके तो गए नहीं थे कि स्नान करना है, तो इन्होंने क्या किया अपने वस्त्र किनारे रख दिए और सब स्नान करने लगी। स्नान कर रही थी तो उस समय भगवान शंकर माता पार्वती नंदी पर सवार होकर उधर से आते हुए देखे, तो इनको लगा शायद इसी तरफ आ जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लोग जब भागे अपने अपने कपड़े उठाने के लिए, तो जब स्पीड से भागे तो जो देवयानी थी, अब जो भी है समझी नहीं बेचारी, देवयानी कौन, तो देवयानी को समझा नहीं और उसने क्या किया कि जो श्रमिष्ठा थी उसके, सॉरी श्रमिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए गलती से। भगदड़ में इन लड़कियों को कुछ समझ में आया नहीं तो श्रमिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहने। अब जब शुक्राचार्य की बेटी ने देखा इस राजकुमारी ने मेरे कपड़े पहन लिए, थी सहेलियां फ्रेंड थी तब तो साथ में नहीं थी, तो उसको खूब अड़काया, है ना। अब शुक्राचार्य की बेटी थी तो ब्राह्मण का भाव था कि हम ऊंचे हैं और वो क्षत्रिय है, वो दासी है, ऐसे करके उसको अड़काया, तुम दासी हो, ये हो, वो हो, पता नहीं क्या क्या बोला, है ना, कि दूसरे के कपड़े पहन लिए तुम्हें शर्म नहीं आती, पता नहीं क्या क्या बोला, है ना, और तुम तो क्षत्रिय हो, नीच हो, तुमने ब्राह्मण की कैसे अवहेलना कर दी, बहुत कुछ अड़काया। तो उसको तो समिष्ठा को थोड़ा बुरा लगा, है ना। तो राजकुमारी ने भी अच्छे से सुनाया, कहती तुम्हारा पिता जिसकी तुम जिस साड़ी की तुम्हें बड़ी टेंशन हो रही ना, तुम्हारा पिता आता है कुत्ते की तरह मेरे घर, राजा मेरे पिता के पास डोनेशन मांग में, जब हम उसको देते हैं तब उससे तो खरीदिए तुमने, उसको और बुरा लगा। ऐसे करके दोनों सहेलियों की इतनी खींचातानी हुई, लड़ाई हुई, इतनी चिक 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 में, तो उसने सोचा कि यार इसको ना शुक्राचार्य की बेटी को उसने क्या किया, उसमें डाल दिया, एक कुआं था वहां। तो उसका वो सूखा कुआं था उसमें डाल दिया, ठीक है। अब शुक्राचार्य जो वहाँ हुआ क्या कि वो सब चली गई अपनी, वो वहीं पड़ी हुई थी, ठीक है। तो अब क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो
कोई नहीं वहां मदद करने के लिए। तो एक क्यों आए क्यों नहीं आए पता नहीं, पर महाराजा पुरुरवा वहां से निकले, सॉरी महाराजा ययाति, महाराजा ययाति वहां से निकले तो इन्होंने देखा कि ये पड़ी हुई है, चिल्लाई कि मुझे बचा लो। तो इन्होंने कैसे बचाए तो कैसे भी करके अपना रस्सी वस्सी लाए जो भी हुआ, और उसको बचाने के लिए जो है इन्होंने रस्सी डाली, खींचा खींच खींच के जब वो आई तो अंत में उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। तो जब हाथ पकड़ के खींच लिया तो वो कहती है कि महाराज जब आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप ही पकड़ेंगे और कोई नहीं पकड़ेगा। तो वो राजा कहते हैं कि ऐसे कैसे, आप कौन जानते नहीं पहचानते नहीं, कौन है आप, है ना। तो बताया कि हम शुक्राचार्य की बेटी है ना, तो बताया कि शुक्राचार्य की बेटी है। तो फिर राजा कहता है तो हम तो फिर भी आपसे विवाह नहीं कर सकते क्योंकि आप ब्राह्मण की बेटी हैं। तो जो ब्राह्मण की बेटी का विवाह अगर क्षत्रिय से हो या नीचे वाले से, कहते हैं विलोमज विलोम विवाह उल्टा, और अगर वैसा हो है ना तो ठीक है वो फिर भी चलेगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे भी एक शाप है कि मेरी शादी क्षत्रिय में ही होगी। तो महाराजा ययाति ने कहा नहीं ऐसे नहीं हम करेंगे, आपके पिता की सम्मति होगी तभी हम करेंगे। तो फिर बाद में शुक्राचार्य ने भी सोचा चलो वैसे भी तो इसकी ब्राह्मण में शादी तो होनी नहीं है, तो उनसे शादी करवा दी। किसकी? शुक्राचार्य की बेटी की शादी किससे हो गई? ययाति से। भी शादी नहीं हुई, शादी होनी तो थी। अब एक तो रिक्वेस्ट करी इन्होंने कि हमसे शादी कर लो, कैसे कैसे तो राजा बेचारे माने। फिर कहते मेरी शर्त भी है, फिर शर्त आ गई। तो कहती है कि मेरी शर्त ये है कि मैं जब शादी में तुम्हारे घर आऊंगी तो मेरे साथ कई सहेलियां आएंगी, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फ्रेंड है कौन, राजकुमारी, ये राज, वो राजकुमारी है, कहते हैं राजकुमारी मेरे साथ आएगी दासी बनकर, और तुम इसके साथ दासी जैसा व्यवहार करोगे, पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करोगे, ये मेरी दासी बन के रहेगी। और ये बिल्कुल निम्न कोटि की दासी बनेगी, कई स्तर होते थे राज रानियों के दासी के, तो ये बिल्कुल जो निकृष्ट काम करने वाली दासी है वो बनेगी। कभी मतलब रानी के महल जो जो रानी का जो चैम्बर है उसमें कभी नहीं आ सकती वो, इतना निकृष्ट दासी बनेगी। तो फिर चलो ठीक है। अब जो राजा था वृषप्रभा जिसकी बेटी थी वो, तो वो बेचारा क्या करे, अब उसकी बेटी कहीं दासी बने, वो तो राजकुमारी है। तो वो राजा ने बेचारे ने अब वो क्या करता क्या ना करता, शुक्राचार्य का डर था कि कहीं शाप ना दे दें। अब यहाँ अपनी बेटी को भी ऐसे नहीं भेज सकता भाई, तो फिर उसकी दुविधा में थे, शुक्राचार्य बहुत गुस्सा में थे। अब यहाँ कहते हैं कि बेटी ने तो ऐसा काम किया तो किया, शुक्राचार्य को तो बुद्धि होनी चाहिए, पर उनको भी नहीं समझ में आया, वो भी गुस्से में आ गए, ऐसे कैसे बोला मेरे को कि मैं आता हूँ डोनेशन लेने करके, वो इस पे चढ़े थे। तो वृषप्रभा ने अपनी बेटी से बात करी तो उनकी बेटी समझदार थी, तो कहती पिताजी आप जो है परेशान ना हो, मैं जाऊंगी अपने कर्म को मैं ही भोगूंगी। तो बेचारी गई दासी बनी गई, तो कई समय तक दासी बन के उसने वहां सेवा करी। और तो इनकी शुक्राचार्य की बेटी से तो दो पुत्र हुए। तो फिर राजकुमारी भी एक दिन कहती है कि महाराज मेरा तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा, और कुछ आप कम से कम आप मुझे यहाँ लाए हैं तो ये तो दासी बनाती, पर मैं हूँ तो आपकी पत्नी के रूप में, जो भी है आप जो समझें, पर मेरी इच्छा है कि आप मुझे भी पुत्र दें। तो महाराजा ययाति ने उनको भी पुत्र प्रदान किया। तो कई समय निकल गया, अब चूंकि निम्न कोटि की दासी थी तो कुछ पता नहीं चलता था। तो एक दिन ये इसके बेटे, किसके दासी के बेटे, छोटे छोटे से थे, घूमते घामते पता नहीं कहाँ रानी के अंदर महल में चले गए। तो उसको हूबहू ना वो ययाति जैसा दिखता था। तो इसको लगा यार ये बड़ा तेजस्वी बालक लग रहा है,
किसका बालक है? तो बताए हम तो दासी के बालक हैं। उसको दासी का बेटा इतना तेजस्वी कैसे? तो जब पता चला तो बात खुल के आई कि ये तो ययाति के ही बेटे हैं। अब जब उसने ये सुना तो उसी क्षण भाई वो तो निकल गई कहां? मायके। उसके पास एक हथियार था, पापा के पास जाओ। वो तो तुरंत वहां से भागी। और जब ये बात पता चली किसको? महाराजा ययाति को। बेचारे डर गए एकदम से, क्योंकि शुक्राचार्य के हिसाब से सब डरते थे। तो महाराजा ययाति बेचारे ऐसा वर्णन है कि उसके पीछे पीछे गए, उसके पैर पकड़ लिए कि तुम्हें तुम्हें पैर दबाऊं क्या? पैर दबाए भी, देवी रुक जाओ, पूरा पैर दबा रहे हैं उसका, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके पैर पकड़ रहे हैं, कह रहे तुम जो कहोगी वो ही करेंगे, पर मायके मत जाओ। वो तो कह रही मैं तो जाऊंगी, और वो रो रही है और चिल्ला रही है गुस्से में, हट हट करके, और ये जा रहे हैं, उसके पैर पकड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, उसके पैर की धूल को सिर में लगा रहे हैं कि तुम ही सब पूछो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे रुक जाओ करते करते वो अपने आश्रम पहुंचे भी गई पिता के घर, और सब बता दिया। जब सब बता दिया तो शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया, क्या? कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। उसी समय ये बेचारे क्या हो गए? तो जब ये वृद्ध हो गए तो ये कहते हैं कि आपने मुझे तो शाप दे दिया, लेकिन अब आपकी बेटी का क्या? वो तो अभी बूढ़ी नहीं हुई है, ये तो आपकी बेटी के लिए गलत हुआ। तो इनको लगा यार गलत शाप दे दिया। तो फिर उन्होंने थोड़ा उस शाप को सॉल्व करने की कोशिश करी, कहा कि अगर तुम्हें तुम किसी से अपना वृद्धावस्था बदल लो, किसी को अपनी वृद्धावस्था दे दो और उसकी युवावस्था ले लो बदले में, तो हो सकता है। ऐसा कौन पागल होगा? तो किससे कहें, है कि नहीं, कि भैया मेरा बुढ़ापा ले लो और अपनी युवावस्था मुझे दे दो, किससे कहेंगे? तो इन्होंने सोचा कोई नहीं है, अपने बेटों से ही कहें। तो इन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा जो यदु थे, तो यदु ने कहा कि देखिए पिताजी, अगर आप भगवत भक्ति के लिए युवावस्था मांग रहे होते तो मैं बिल भी दे देता, चलो भाई मेरे पिताजी को भक्ति करनी है, भक्ति युवावस्था में बहुत अच्छे से करी जा सकती है, वृद्धावस्था में तो मजबूरी में करनी पड़ती है, लेकिन अब युवावस्था आपको चाहिए क्योंकि आपको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आपको इंद्रिय भोग के लिए चाहिए तो क्यों तुम नहीं देता? उन्होंने मना कर दिया और पुत्रों ने भी मना कर दिया। जो सबसे छोटे थे पुरु, उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी, पुत्र का सबसे अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने पिता की इच्छा बिना बोले इच्छा समझ के और पूरा कर दे। अब मैं सबसे अच्छा तो नहीं बन सकता, पर दूसरे लेवल का वो होता है जो कहने पे मान ले, तो आपने कहा है तो इस तरीके से मैं आपको अपनी व्यवस्था देता हूँ। तो इस तरीके से उनके बेटे गुरु ने उनको व्यवस्था दिया। इसके साथ उन्होंने बहुत समय, लंबे समय तक अपनी पत्नी के साथ रहे, और इसके बाद जो है जो देवयानी के साथ बहुत लंबे समय तक उन्होंने भोग किया, है ना, और फिर उनको बाद में महाराजा ययाति ने जो है अपना युवावस्था वापस दिया पुरु को। तो चूंकि वो पुरु ने उन्हें युवावस्था दी थी, इसलिए वो पुरु से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने राजा किसको बनाया? पुरु को राजा। अब ये तो बात की बात है, बीच में क्या हुआ कि जब बहुत लंबे समय तक हुए तो महाराजा ययाति को वैराग आ गया, है ना। तो एक दिन वो कहते हैं देवयानी से कि हे शुक्राचार्य की बेटी, मैं ना तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? कहानी। कहानी बहुत बढ़िया है ना। तो
कहते हैं कि एक बार एक बकरा था, बकरी कहानी, तो एक बार एक बकरा था, तो ऐसे ही वो घूम रहा था जंगल में, तो उस बकरे को एक बकरी की आवाज सुनाई थी। बकरी संकट में थी, एक कुएं में पड़ी हुई थी, तो उस बकरी की आवाज सुन के बकरा वहां गया, तो बकरी ने कहा मुझे बचा लो। तो बकरी ने बड़ी मेहनत करके अपने सींगों से जमीन खोद खोद के कैसे तो करके उस बकरी को निकाला, और बाद में उस बकरी के साथ ही रहने लगा और इस तरीके से रहता था। फिर उस बकरे का किसी और बकरी के साथ संबंध हो गया, तो उस पहली बकरी के पिता ने उसके साथ साफ साफ दे दिया। ऐसे करके ना उसने बकरे के लैंग्वेज में किसकी कहानी सुनाई, अपनी स्टोरी सुना डाली। तो देवयानी कहती है कि कहानी तो जानी पहचानी लग रही है ना, अब सीधे नहीं कह सकता, तो कहानी तो जानी पहचानी लगती है, आप चाहते क्या है महाराज। तो महाराज यार कहते हैं कि मैं जो है वैराग्य चाहता हूँ, संन्यास चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो। तो देवयानी समझदार थी, तो कहती ठीक है महाराज, हमने तो आपको रोका नहीं है, आप चाहें भगवान की सेवा करें। तो इस तरीके से महाराज ययाति भगवान की सेवा की, और देवयानी की ना सिर्फ कुएं से रक्षा हुई बल्कि ययाति की पत्नी होने की वजह से उसकी भगवत भक्ति भी उसे मिली। ठीक है, इस तरीके से महाराजा ययाति का वर्णन आता है।